जिस गाड़ी का अपना फिटनेस नहीं है, अपना प्रदूषण नहीं है, अपना इंश्योरेंस नहीं है, गाड़ी का नंबर सही नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, सीट बेल्ट नहीं है जिस गाड़ी का, वो गाड़ी दूसरे किसी का सीट बेल्ट, प्रदूषण, फिटनेस, इंडिकेटर चेक करता है। जरा सोचिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला हुआ गाड़ी है ये, देखिए कितना सड़ा हुआ है, देखिए ये, देखिए ये, देखिए वायरलेस सिस्टम ये सब लगा हुआ है, देख लीजिए, ये गियर फंस जाता होगा, गियर फंस जाता होगा, ये सब गलती से ये 60 के स्पीड में अगर मोटरसाइकिल वाले को पकड़ने गए तो 70 के स्पीड में हॉर्न नहीं बजेगा, 80 के स्पीड में एक्सीडेंट हो जाएगा। और बेचारे ये पहुंचते होंगे जब आधा घंटा लेट घटनास्थल पे, तो लोग बोलता होगा पुलिस जो है मरा हुआ था क्या, क्यों नहीं घटनास्थल पे पहुंचा। कैसे पहुंचेगा पुलिस घटनास्थल पे इस खटारा गाड़ी के साथ, आप ही बता दीजिए। इसका इंडिकेटर कब चेक किया जाएगा, इसमें इंडिकेटर नहीं है, दाहिने घूमेगा कि बाएं घूमेगा कोई गारंटी नहीं है। बिहार पुलिस आपकी सेवा में सदैव हाजिर, बिहार का ट्रैफिक पुलिस आपकी सेवा में सदैव। सिस्टम सही होगा तो हमारा बिहार पुलिस भी सही हो जाएगा, और जब बिहार पुलिस सही हो जाएगा तो बिहार पुलिस बिहार के लोगों के सेवाओं में हाजिर भी हो जाएगा। अभी मैं पटना के एम्स चौराहे पे हूँ, आप देख सकते हैं, और ये जो है सबसे बड़ा चौराहा में से एक है, और बगल में ही एम्स अस्पताल है जो बहुत हाईटेक अस्पताल केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है, और ये बिहार सरकार का हाईटेक ट्रैफिक पुलिस है जिनके कंधों पे बिहार के सुरक्षा की जिम्मेवारी है। ये बिहार सरकार का पुलिस है जिनके कंधों पे सुरक्षा की जिम्मेवारी है। मैं अभी तेलंगाना गया था, वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट को इनोवा मिला हुआ है, इनोवा कार, महाराष्ट्र में इनोवा मिला हुआ है, उत्तर प्रदेश में इनोवा मिला हुआ है, और देश के हर एक राज्य में इनोवा मिला हुआ है। हमारा बिहार पुलिस 30 साल पुराना गाड़ी के साथ जो है अपराधी को पकड़ पाएगा क्या? कभी नहीं पकड़ पाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, ये गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक रिजेक्टेड हो गया होगा, 15 साल से ज्यादा पुराना गाड़ी नहीं इस्तेमाल करना है, और हमारा बिहार पुलिस मजबूरी में ये 15 साल से भी ज्यादा पुराना गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है। देखिए इधर आइए, इसका ना गियर लगता होगा, ना इंडिकेटर लगता होगा, यहाँ तक कि दो दो को चाबी लगाने वाला बनाया गया है, एगो यहाँ एगो यहाँ, और ये है हमारा बिहार पुलिस का हाईटेक गाड़ी, और इस हाईटेक गाड़ी से हमारा बिहार पुलिस स्प्लेंडर वाले को भी नहीं पकड़ पाएगा, फॉर्चूनर और सफारी वाला तो ऐसे ही दारू लेके भाग जाता है, यही कारण है। और उसके बाद से हम लोग आते हैं और ये साहब जी के मुंह में माइक लगा देते हैं और पूछते हैं काहे अपराध बढ़ रहा है, काहे अपराध बढ़ रहा है। इन लोगों के वजह से अपराध नहीं बढ़ रहा, अपराध हमारा बिहार का सिस्टम जो खराब है उसके वजह से बढ़ रहा है। क्या बिहार पुलिस को इनोवा गाड़ी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जरा बताइए। और इस गाड़ी से बिहार पुलिस अपराधी को पकड़ पाएगा क्या? ये ओवरलोडेड ट्रक को भी ये गाड़ी नहीं पकड़ पाएगा, ये सड़ गया है, देखिए ना। पटना पुलिस आपकी सेवा में हाजिर जो लिखा गया है ना, वो सड़ गया है, ध्यान से देखिए। तो आपकी सेवा में हाजिर कैसे ही पटना पुलिस रहेगा, जरा ध्यान से देखिए। और देखिए ये गाड़ी पूरा, ये आज़ादी के बाद से पहला लॉट जब खरीदा गया ना, वही लॉट अभी तक है बिहार में। और बेचारे पुलिस वाले लोगों को देखिए पानी लेके चलना पड़ता है अपना, देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये सड़ गया है गाड़ी, यहाँ पे दिखाइए थोड़ा सा, पूरा सड़ा हुआ है गाड़ी, पूरा सड़ा हुआ है। उसके अलावा ये देखिए, ये जो चढ़ने वाला है वो सड़ गया है, ये ऑटोमेटिक लॉक अनलॉक हो जाता है, ऑटोमेटिक लॉक अनलॉक हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैंने इनसे कुछ भी सवाल पूछा और ये कुछ भी ईमानदारी पूर्वक भी जवाब दे देंगे ना कि ना ये गलत है, ये गलत है, तो सरकार इनको सस्पेंड कर देगा। और बहुत आसान है, कहीं भी कुछ अपराध होता है तो हम पूछते हैं कि हमारे सवालों का जवाब दीजिए सर, आप अपराधी हैं, आप दोषी हैं, आप अपराधी को नहीं पकड़ रहे हैं, पुलिस वाले को रेल के रख देते हैं हम लोग। लेकिन गलत बात है, पुलिस वाले से ज़्यादा दोषी जो है ना हमारा ये सिस्टम हो चुका है जो जर्जर है। कहीं नहीं तो कहीं बिहार में 2.5 लाख पुलिस वालों की ज़रूरत है, 90,000 पुलिस वाले बिहार में हैं सिर्फ, उसमें से आधे से अधिक VIP ड्यूटी में है, और जो बच्चे उसमें से आधे से अधिक ट्रैफिक ड्यूटी में है, और ट्रैफिक ड्यूटी में इस सब गाड़ियों से हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला हुआ गाड़ी है ये, देखिए कितना सड़ा हुआ है, देखिए ये, देखिए ये, देखिए वायरलेस सिस्टम ये सब लगा हुआ है, देख लीजिए, ये गियर फंस जाता होगा, गियर फंस जाता होगा ये सब। और ये सब गाड़ी से जो है बिहार पुलिस जो है ना, और चले जाइए, मैं देश के हर एक राज्यों में जाता हूँ, पिछले 6 महीना में मैंने 22 राज्यों का भ्रमण किया है भारत के, 22 राज्यों का, और सिर्फ 6 महीना में, और कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे
ट्रैफिक पुलिस के पास खासकर इनोवा गाड़ी नहीं हो, कोई ऐसा राज नहीं है। बिहार में ये जर्जर खटारा गाड़ी है और बेचारे ये पहुंचते होंगे जब आधा घंटा लेट घटनास्थल पे, तो लोग बोलता होगा पुलिस जो है मरा हुआ था क्या, क्यों नहीं घटनास्थल पे पहुंचा। कैसे पहुंचेगा पुलिस घटनास्थल पे इस खटारा गाड़ी के साथ, आप ही बता दीजिए। और बिहार पुलिस सेवा में हाजिर कैसे होगा, शराब तो बंद हो गया है, रेवेन्यू तो आ नहीं रहा है, तो गाड़ी कहां से खरीदाएगा। जाके देख लीजिए तेलंगाना में शराब चालू है, गाड़ी टकाटक है, और आंध्र प्रदेश में जाके देखिए इनोवा है, मुंबई में जाके देखिए इनोवा है। कोरोना काल में दवा का दुकान नहीं खुला, वेंटिलेटर नहीं खुला, अस्पताल नहीं खुला, लेकिन शराब का दुकान खुल गया। उसके पीछे रीजन है कि उससे मोटर रेवेन्यू आता है और मोटर रेवेन्यू से विकास होता है। इसका लाइट जलता है कि नहीं जलता है कोई गारंटी नहीं है, और जलता भी होगा तो दोनों जलता होगा कि नहीं जलता होगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है, और अगर दोनों जलता होगा तो इंडिकेटर नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं है, और ये गाड़ी जो है ना ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए यहाँ पे लगाया गया है, और यही भाई लोगों का मोटरसाइकिल हेलमेट और सीट बेल्ट चेक किया जाएगा इन्हीं लोगों का। इसका इंडिकेटर कब चेक किया जाएगा, इसमें इंडिकेटर नहीं है, तो इन्हें घूमेगा कि बाएं घूमेगा, कोई गारंटी नहीं है। बिहार पुलिस आपकी सेवा में सदैव हाजिर, बिहार का ट्रैफिक पुलिस आपकी सेवा में सदैव हाजिर। इन लोगों से क्या मैं पूछूं, ये बेचारे लोग धूप में खड़े हुए हैं, इन लोगों से क्या पूछूं। अभी कुछ दिन पहले रास्ता खराब था, मैंने आवाज उठाया, अगले दिन रास्ता बन गया, अगले दिन यही एम्स के बगल में, यही एक दिन में बना था, 24 घंटे में ये सभी लोग गवाह हैं यहीं पे बगल में। ये क्यों नहीं आवाज उठाएं, आवाज उठाना चाहिए था कि नहीं उठाना चाहिए था। ये ऊपर का सिस्टम भ्रष्ट है, जो विदाउट इंडिकेटर खटारा गाड़ी, जो जिस गाड़ी का अपना फिटनेस नहीं है, अपना प्रदूषण नहीं है, अपना इंश्योरेंस नहीं है, गाड़ी का नंबर सही नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, सीट बेल्ट नहीं है जिस गाड़ी का, वो गाड़ी दूसरे किसी का सीट बेल्ट, प्रदूषण, फिटनेस, इंडिकेटर चेक करता है, जरा सोचिए। और इसके लिए कौन है दोषी? अगर ये भाई साहब, ये जो SHO हैं, थाना प्रभारी हैं, जो भी है या ASI या SI है, जो भी है, अगर ये कहेंगे कि हम खटारा गाड़ी में नहीं जाएंगे तो इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, इनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहीं और। ये इंश्योरेंस है गाड़ी का, पोल्यूशन है क्या, इंश्योरेंस है पोल्यूशन है गाड़ी का, लोग से सबसे पूछते हैं, फाइन करते हैं, इनसे पूछिए गाड़ी का कागज पत्र टूटन किया जाता है, इनसे जरा पूछिए कि इनका इंश्योरेंस है। यही मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और बार बार आप लोग नहीं समझ रहे हैं। इसके लिए ये दोषी है कि सिस्टम दोषी है, आप बताइए। सिस्टम दोषी है, और सिस्टम को बनाता कौन है, सरकार बनाता है, नेता सरकार, और सरकार को नेता को कौन बनाता है, जनता बनाता है, तो कौन है दोषी, जनता भी दोषी है, जनता भी नहीं, जनता ही दोषी है। बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधक हम ही लोग बन जा रहे हैं, अगर सही नेता को चुने होते ना तो शायद जो है, हमारा पुलिस वाला कौन है, हमारा चाचा है, हमारा काका है, हमारा भाई है, ये भी लोग तो बिहारी का है ना, ये भी तो यही सिस्टम के है ना, यही ये भी लोग पीड़ित है, ये लोग भी हमसे मिलते हैं तो बोलते हैं कि सर क्या करें, हम लोग तो इतना ज़्यादा परेशान है कि सुबह से लेकर शाम तक दारू वाले को खोजते हैं, रात में जहरीला शराब पी के मर जाता है, सस्पेंड हम हो जाते हैं। लिख लोड़ा पढ़ पत्र अनपढ़ नेता को चुन दे रहे हैं और बोल रहे हैं सिस्टम सही होगा। ये चीज़ें है, ये गाड़ी का खरीद जो है कौन करेगा, गृह मंत्रालय से खरीद होता है, गृह मंत्री बिहार के कौन है, नीतीश कुमार है, वहां से खरीद होगा ना, वहां से खरीद होना चाहिए था ना ये गाड़ी का, लेकिन वित्त मंत्री किसके पास है, एक उप मुख्यमंत्री है उनके पास वित्त मंत्रालय, उनके पास पैसा है ही नहीं, कहां से पैसा आएगा, क्योंकि बिहार के लोग बाहर में शिक्षा के लिए जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, और हर चीज के लिए जाते हैं बिहार से बाहर, और बिहार में इसीलिए पैसा नहीं है, और इसीलिए खटारा गाड़ी पे बिहार का सिस्टम जो है सवार हो चुका है, जिसमें ना इंडिकेटर है, ना सीट बेल्ट है, ना कुछ ना कह तो, और बिहार के लोग समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। अगर जिस दिन समझने का प्रयास कर दिए होते और सही नेता को चुने होते, ये नेता से सवाल करें कि हमारे यहाँ पे पुलिस जो है क्यों वसूली करता है, एक बार इनको हिम्मत है तो अपने क्षेत्र के विधायक से एक बार सवाल करें जिसको वोट दिए, ये अपने क्षेत्र, एक मिनट, अपने क्षेत्र के विधायक से सवाल करें कि हमारे यहाँ एम्स में क्यों नहीं इलाज होता है, ये अपने क्षेत्र के विधायक से सवाल करें कि हमारे यहाँ जो सड़क है उसमें खड्डा क्यों है, नहीं करेंगे। ये है सच्चाई। देखिए, हमें जड़ को पकड़ने की जरूरत है, हम गाछी के डाली काट के हमनी के कोनो फायदा ना हो जब तक जड़ में इलाज नहीं होगा, और जड़ है हमारा सिस्टम, और सिस्टम ही खराब है, और उसी का जीता जागता खराब सिस्टम का ये उदाहरण जो है ये जीप है। ये देखिए, इसका टायर देखिए, थोड़ा पीछे हटिए ना थोड़ा सा, इसका टायर देखिए किया गया है, रिसोल टायर है ये देखिए, और ये दूसरे मोटरसाइकिल वाले का टायर चेक करेंगे कि आधा है कि पूरा है,
इसमें खुद इंडिकेटर नहीं है और मोटरसाइकिल वाले ने इंडिकेटर दिया है कि नहीं दिया, वो चेक होगा। इसका फिटनेस खुद ही खराब होगा, चेक कर लीजिएगा, ना पीयूसी होगा ना फिटनेस होगा, और ये दूसरे किसी का पीयूसी फिटनेस चेक करता है, तो जरा सोचिए। तो इसके लिए इसमें बैठे पुलिस वाले दोषी नहीं है, इसके लिए इस बिहार में बैठा हुआ सिस्टम दोषी है और उसको सुधारने की जरूरत है। जिस दिन सिस्टम सुधर जाएगा, जिस दिन बिहार का ये जनता जो बेवजह जो है मोबाइल उठा उठा के मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस दिन ये लोग जो है गलत चीज़ों का रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देंगे, उस दिन सिस्टम सुधर जाएगा, उस दिन सिस्टम सुधर जाएगा। इनके दरवाजे के सामने से एक ठेकेदार आता है और गलत नाला गलत रोड बना के चला जाता है। इनके गांव के स्कूल में जो है बढ़िया से पढ़ाई नहीं होता, वहां पे आवाज़ नहीं उठाते हैं और यहां पे आके चिल्लाते हैं। ये है सच्चाई, सही है कि नहीं? आपके दरवाजे के सामने से जो रोड बनना चाहिए वो उस हिसाब से अच्छे ढंग से रोड नहीं बनता है। और ये है हमारा बिहार का फिट सिस्टम, जिसके पास खुद फिटनेस नहीं है। ये चीज़ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बिहार पुलिस आपकी सेवा में हाजिर, सेवा ख़त्म, हाजिर ख़त्म, और मैं भी ख़त्म हो गया है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, हालांकि मुझे पता है मैंने इन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन इन लोगों को टेंशन हो गया होगा, इसलिए टेंशन हो गया होगा कि क्या पता सिस्टम हम लोगों को बख्शेगा कि छोड़ेगा। लेकिन मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे मतलब है इस गाड़ी के हॉर्न से जो दबता नहीं होगा। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देखिए, कहीं गलती से ये 60 के स्पीड में अगर मोटरसाइकिल वाले को पकड़ने गए तो 70 के स्पीड में हॉर्न नहीं बजेगा, 80 के स्पीड में एक्सीडेंट हो जाएगा। अब जरा सोचिए, ये है सच्चाई। मुझे इनसे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि इस गाड़ी में कहाँ कहाँ चाबी लगाया जाता है, इधर लगाया जाता है कि इधर लगाया जाता है, देख सकते हैं आप, देख लीजिए। मुझे इनसे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि बिहार पुलिस आपकी सेवा में हाजिर है कि नहीं है। मुझे इनसे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि ये गाड़ी का फिटनेस सही है कि नहीं है। और बिहार पुलिस का जब गाड़ी का फिटनेस सही नहीं होगा, लाइट सही नहीं होगा, गियर सही नहीं होगा, गाड़ी सही नहीं होगा, तो बिहार पुलिस कहां से सही होगा, जरा सोचिए। और इसके लिए बिहार पुलिस के वो जवान दोषी नहीं है, इसके लिए बिहार पुलिस का वो सिस्टम दोषी है जो नेताओं के हाथों में है। तो विनती है बिहार के लोगों से कि सही नेता चुनिए, ताकि सही नेता जीतने के बाद जो है सिस्टम को सही करे, और जब सिस्टम सही होगा तो हमारा बिहार पुलिस भी सही हो जाएगा, और जब बिहार पुलिस सही हो जाएगा तो बिहार पुलिस बिहार के लोगों के सेवाओं में हाजिर भी हो जाएगा। वरना आप पुलिस वाले को गरियाइएगा, नेता लोग तो चाहता ही है कि हम लोग जो है पुलिस वाले को गाली देते रहे और नेता लोग मलाई खाते रहे, वो चाहता ही है कि उनके सारे भ्रष्टाचार का आरोप जो है ना सरकारी अधिकारियों पे पड़ जाए, पुलिस पे पड़ जाए, इन लोगों पे पड़ जाए और सिस्टम सही नहीं हो। ये भी सही होना चाहिए, इनकी गाड़ी भी सही होनी चाहिए, इनके ड्रेस भी सही होना चाहिए, पुलिस भी सही होना चाहिए, बिहार का सिस्टम भी सही होना चाहिए। और इन सब के लिए पहले हम सभी बिहारियों को जातिवाद से ऊपर उठ के सही सरकार और सही नेता चुनना होगा, सही है कि नहीं है? इस इकट्ठा भीड़ को मैं आखिरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही सलाह देने जा रहा हूँ, अगर आपके विधानसभा में कहीं भी पुलिस गलत करे तो आप पुलिस को ना पकड़े, विधायक को पकड़े और लाएं वहाँ पे और विधायक को दिखाएं कि ये पुलिस क्यों गलत कर रहा है, हमने आपको क्यों वोट दिया था। अगर विधानसभा में कहीं भी हॉस्पिटल में इलाज सही नहीं हो रहा है, विधायक जी को पकड़ के लाएं। अगर विधानसभा में कहीं भी ब्लॉक में घूस लिया जा रहा है, विधायक जी को पकड़ के लाएं और विधायक जी से सवाल करें कि आपको हमने इसीलिए वोट दिया था कि यहाँ पे घूस लगे, तब जाके हमारा सिस्टम सही होगा। वरना ब्लॉक में हंगामा करने से, थाना में हंगामा करने से और हॉस्पिटल में हंगामा करने से, कचहरी में हंगामा करने से कोई फायदा नहीं, उल्टा आप लोगों पे केस होगा। तो सुधारना है सिस्टम तो समझिए, एक विधायक के अंडर में सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर का एरिया रहता है और वो विधायक 365 दिन में सिर्फ और सिर्फ 65 दिन अपने विधानसभा में अपने लोगों से मिल लेगा, तो शायद जो है उसके विधानसभा का सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। तो सवाल कीजिए अपने जनप्रतिनिधियों से जिसे आप लोगों ने चुना है, सवाल कीजिए अपने सांसद, विधायक, मुखिया, वार्ड और जिला परिषद से जिसे आप लोगों ने चुना है और जिनके कंधों पे जो है सिस्टम को सुधारने की जिम्मेवारी है, क्योंकि जिस दिन वो सुधर जाएंगे उस दिन बिहार सुधरेगा। वो नहीं सुधरेंगे तो सिस्टम से आप हजारों नहीं लाखों सवाल कर लेंगे, हमारा ये जर्जर सिस्टम नहीं सुधरने वाला है जब तक बिहार का नेता नहीं सुधरेगा। साथ में एक और बात कहना चाहता हूँ, इधर से एक भाई साहब ने कहा जातिवाद ख़त्म कीजिए, तो जातिवाद जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक बिहार जो है विकास के पटरी पे वापस नहीं आएगा। और जिस दिन बिहार के लोग जातिवाद ख़त्म कर देंगे उस दिन बिहार के हर एक जाति के हर एक बच्चों का जो है ना वो भविष्य बनना शुरू हो जाएगा।
बाकी बिहार का ये अनफिट पुलिस की गाड़ी से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और हो सके तो इस सिस्टम को फिट करने का प्रयास आप सभी मिलके करना, क्योंकि जाति के नाम पे आप लोग वोट देते हैं और जाति के नाम पे बिहार में और बिहार से बाहर मरते हैं। विनती है आप लोगों से कि इस सिस्टम को सुधारने का प्रयास करें। जय हिंद।